नवरात्रि 2019 दुर्गा सप्तशती के पाठ से होते हैं सभी मनोरथ पूर्ण। शक्ति आराधना का पावन पर्व नवरात्रि पितरों की विदाई के अगले ही दिन आरंभ हो जाता है। यद्यपि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, किंतु माता एकाकार हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं। स्वयं माता ने कहा है कि एक वाहन जगत त्रिद्वितीय का महाप्रा, अर्थात इस संसार में एक मैं ही हूँ, दूसरी और कोई नहीं। सभी चराचर जगत जड़ चेतन दृश्य अदृश्य रूपों में मैं ही हूँ। मतः प्रकृति पुरुषात्मकमजगत, प्रकृति और पुरुष मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का व्यावहारिक लाभ, दुर्गा पूजन अथवा सप्तशती का पाठ सुनना या श्रवण करना सभी गृहस्थों के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि इनकी कोई न कोई परेशानी हमेशा पीछा करती रहती है। जो लोग सब कुछ होते हुए भी परिवार में तनाव और कलह से परेशान हैं, जो हमेशा शत्रुओं से दबे रहते हैं, मुकदमों में हार का भय सताता रहता है, या जो प्रेत आत्माओं से परेशान रहते हैं, उन्हें मधु और कैटअप जैसे राक्षसों का संहार करने वाली माता महाकाली के दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना या सुनना चाहिए। बेरोजगारी की मांच से परेशान, कर्ज में आकंठ डूबे हुए, जिनके चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा हो, जो श्रीहीन हो चुके हों, जिनका कार्य व्यापार बंद हो चुका हो, जिनके जीवन में स्थिरता नहीं हो, जिनका स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, घर की अशांति से परिवार बिखर रहा हो अथवा पूर्णतः भौतिक सुखों से वंचित हो, ऐसे प्राणी को माता महालक्ष्मी की आराधना और मध्यम चरित्र का पाठ करना या सुनना चाहिए। यह दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत मध्यम चरित्र का पाठ श्रवण सभी विपत्तियों से मुक्ति दिलाएगा। जिनकी बुद्धि मंद पड़ गई हो, पढ़ाई में मन न लग रहा हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो रही हो, सनिपात की बीमारी से ग्रसित हो, जो शिक्षा प्रतियोगिता में असफल रहते हो, ज्यादा पढ़ाई करते हो और नंबर कम आता हो, अथवा जिनको ब्रह्म ज्ञान और तत्व की प्राप्ति करनी हो, उन्हें माता सरस्वती की आराधना और उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का दशांग या षडांग पाठ संसार के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। सप्तशती पाठ श्रवण से प्राणी सभी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। घर में वास्तु दोष हो तो यह पाठ अथवा श्रवण इन दोषों के कुप्रभाव से छुटकारा दिला देता है, क्योंकि वास्तु पुरुष भी माता का परम भक्त है। माता के भक्तों पर ये अपनी कृपा बरसाते हैं।